हालेलुया। एक बार जोर से सब सब जोर से जोर से। खुश हो किसे गर्मी से? हाँ सुनो, सबसे पहले मैं आज ये एक अनाउंसमेंट है सबसे पहले आपके लिए। आज के वचन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर कुछ अपने दासों भिक्षक्तों के द्वारा कुछ करना चाहता है, ये आवाज़ कैसी है इसकी? जब परमेश्वर कुछ खास करना चाहता है तो कुछ चीज़ें परमेश्वर स्वर्ग से उसको बदलता है। आमीन, हालेलुया। और सुनो, आज से इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि ये वचन मुझे किसकी ओर से आया? और बाइबल में लिखा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता वो प्रभाव रहनी प्रभावशील होता है। आमीन। सुनो, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं आशीष के साथ, समझ रहे हो? तो जैसे अगर हम बाइबल से देखें तो बाइबल में जब अब्राहम बुलाया गया तो अब्राहम का नाम पहले क्या था? अब्राम। हाम नहीं था, खाली अब्राम था। क्या था? और जब परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे, क्योंकि उसके उसके वंश नहीं था, बच्चा नहीं, बेबी नहीं था उसके पास कोई, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे आशीष करूंगा। और जब परमेश्वर ने आशीष की बात उसे कही तो उसने उसे ये वचन कहा कि आज से तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा, अब्राम नहीं अब्राहम होगा। उसका मतलब है कि तू बहुत सी जातियों का क्या हो जाएगा? पिता। क्योंकि हर नाम के पीछे उसका एक मतलब है। जैसे अब्राहम का नाम अब्राहम से अब्राहम हुआ तो आशीष में कैसे बदल गया? वो आशीष में। और सच में आज पूरी पृथ्वी भर में ये बात क्या है? सच है। और आज हम सब पूरी पृथ्वी में जितनी भी आज कलीसियाएं हैं, जितने भी लोग हैं, अब्राहम के वंश के उस प्रतिज्ञा की हम संतान हैं। समझ आ रही है? और जब ये नाम से बहुत ऐसे परमेश्वर जब किसी को आशीष करता है तो उसके नाम को चेंज करता है। जैसे जब यूसुफ बुलाया गया, अब्राहम को परमेश्वर ने ब्लेस किया और इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से जकूब और ईसाव हुआ, और जकूब से आगे उसके बहुत जैसे 12 बच्चे, और उसमें से एक यूसुफ, कौन सा? जो मिस्र का राजा बना। और एक समय जब परमेश्वर ने उसे बहुत ब्लेस किया और परमेश्वर ने उसे ऐसे आशीष दी कि आज से तेरा नाम जकूब ने यूसुफ नहीं, हाँ नहीं, ये यूसुफ की बात है, जकूब की बात है, सॉरी। तो परमेश्वर ने कहा जकूब को कहा कि आज से तेरा नाम जकूब नहीं, आज से तेरा नाम इसराइल होगा। क्या होगा? इसराइल होगा। कैसे नाम चेंज हुआ? जब परमेश्वर ने उसे आशीष किया बहुत ज्यादा, समझते हो? और उसके बाद हम बाइबल में देखते हैं कि गिदोन, जिसने इसराइलियों को मगियानियों से छुड़ाया, और बाद में परमेश्वर ने उसका नाम भी गिदोन से, अगर अब न्यायों की पुस्तक 6:32 में ये वचन को देखो तो उसका नाम भी चेंज हुआ। उसका नाम परमेश्वर ने गिदोन से क्या रख दिया? जरुब्बाबेल। क्या रख दिया? जरुब्बाबेल। समझते हो? ऐसे जब पत्रस बुलाया गया तो अगर हम यूहन्ना 1:42 में देखें तो वहां पे ऐसे लिखा है, यूहन्ना को जब यीशु मसीह ने बुलाया तो उसने कहा कि आज से हे यूहन्ना के पुत्र शमौन, है ना, ऐसे यूहन्ना के पुत्र शमौन, आज से तू कैफा मतलब पत्रस करके कहलाएगा।
क्योंकि परमेश्वर से आशीष करना चाहता है, इस दुनिया में प्रकट करना चाहता था। हाँ, और इसी तरह से जब शाऊल बुलाया गया, क्या गया? शाऊल, जिसके द्वारा आज हमें उद्धार की कलीसिया का यह शुभ समाचार का जो भेद का वचन है, 14 पत्रियों में, रोम की पत्री से लेकर तसलुकियों की पत्रियां का, उद्धार की कलीसिया के लिए ये अनुग्रह का प्रबंध जो परमेश्वर ने अपने दास, जिसका नाम पहले शाऊल था, जो मसीह के नाम लेने वालों को क्या कर रहा था, एक समय वो मार रहा था, पर जब उसके जीवन में किसकी ज्योति चमकी, तो जैसे उसके जीवन में ज्योति चमकी, उसका नाम भी चेंज हुआ, शाऊल से उसका नाम पौलुस हो गया। क्या हो गया? शाऊल से उसका नाम पौलुस हुआ। इसी तरह जीसस का नाम भी, जीसस का नाम तो स्वर्ग से आया। पहले स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, एक स्वर्गदूत ने आकर कहा उसे कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु। क्या रखना? मरियम को स्वर्गदूत ने आकर कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। समझती हूं? और उसी के नाम से आज हमारी मिनिस्ट्री का नाम यहोशुआ रंजीत रोबन मिनिस्ट्री के नाम से होगा, क्योंकि यीशु के नाम का मतलब इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में यहोशुआ, जिसे हम यहोवा से नाम से भी जानते हैं। समझते हो? तो आज से इस मिनिस्ट्री का नाम जीजस के नाम से, यहोशुआ के नाम से, यहोशुआ रंजीत रोबन मिनिस्ट्री के नाम से, यह मिनिस्ट्री का नाम आज से जाना जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आज से इस मिनिस्ट्री पर, इस प्लेस पर खुदा की दुगनी ग्रेस काम करेगी। आमेन, हालेलुया। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करो, दिल से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष होने के लिए यह नाम स्वर्ग से दिया है, और इसी मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हो और आप भी बहुत आशीष होगे। आमेन। हाथों को हलाते हुए दिल से एक छोटा सा सॉन्ग गाकर परमेश्वर की प्रेज करो। हाँ, छोटा सा सॉन्ग गाकर, कोई भी हरप्रीत आ जाए, कोई ऐसे ही। हर खुशी में ये सुने बखाइए, ऐसे खुशी विच अख पर आइए, हर खुशी मैनू ये सुने बखाइए, खुशी विच अख पर आइए, हर खुशी मैनू ये सुने बखाइए, ऐसे खुशी विच अख पर आइए, हर खुशी मैनू ये सुने बखाइए, ऐसे खुशी विच अख पर आइए, ओदे लोकां विच देनी मैं गवाही है के नचणे नूं दिल करदा, ओदे लोकां विच देनी मैं गवाही है के विच देनी मैं गवाही एक नचने नू दिल करदा, ओदे लोका विच देनी मैं गवाही एक नचने नू दिल करदा, के नचने नू दिल करदा, मेरा नचने नू दिल करदा, मेरा नचने नू दिल करदा, आपकी खुशी के लिए करदा, जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में खुशी आ गई, ये वचन स्वर्ग से सुने बखाइए, ऐसे खुशी विच अख पर आइए, ओदे लोकां विच देनी मैं गवाही है के नचने नू दिल करदा, ओदे लोकां विच देनी मैं गवाही है के नचने नू दिल करदा, के नचने नू दिल करदा, के नचने नू दिल करदा, नचने नू दिल करदा, मेरा नचने नू दिल करदा, के नचने नू दिल करदा।
हालेलुया, ये सच में ये आपके लिए खुशी है। मैंने क्या कहा, अगर जिस मिनिस्ट्री पर खुदा की ग्रेस उसकी कृपा दृष्टि होती है तो जो लोग उस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं उनके जीवन में भी कुछ खास होता है। आज से आपका जीवन आम नहीं, आप खास हो। आमीन। इसलिए उठाओ अपने हाथों को, धन्यवाद करो सबसे पहले इस बात का कि परमेश्वर तूने अपने दास को इस नाम से आशीष किया, और हमको भी सब खुदा का धन्यवाद करो, दिल से धन्यवाद करो। मैं उसकी प्रेजेंस को देख रहा हूं, मैं उसकी प्रेजेंस को देख रहा हूं। मैंने कहा मैं उसकी प्रेजेंस को आपके बीच में बढ़ती हुई बल से खुदा के कार्य कामों को आने वाले दिनों में, यस, दिल से धन्यवाद करो, दिल से धन्यवाद करो, दिल से धन्यवाद करो इस बात के लिए, दिल से धन्यवाद करो। जो उस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे और लंबे समय से वो दुख में थे, आज परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन लोगों पर यीशु के नाम से हो चुकी है। जो लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे, अगर वो देर से किसी चीज में आशीष नहीं थे तो वो धन्यवाद करो, आप आशीष हो। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, अपना मन ना खराब करना, आप गवाही से आओगे। मैंने कहा आप गवाही से आओगे यीशु के नाम से। धन्यवाद करो आज के वचनों के लिए परमेश्वर का, कि खुदावंद आज का वचन जो तू अपने दास के द्वारा हमें देने वाला है आज हमारे जीवन में 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए। कमांड करो अंधकार की शक्तियों को जो आपके जीवन से वचन को चराती है, कमांड करो जो वचनों को समझने में जो चीज आपको रुकावट देती है, कमांड करो अधिकार से साथ, कमांड करो यीशु के नाम से, हर ओ बाधा, हर ओ रुकावट, हर ओ जुआ यीशु के नाम से टूटे, राइट नाउ कैंसिल करो उसे यीशु के नाम से। मैंने कहा कैंसिल करो अपने जीवन से, और मांगो कि खुदा आज का वचन मेरे जीवन में 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।